हेलो, वेलकम टू एग्जाम टाइम क्लासेस। आज हम आपके लिए टेक्निक लेके आए हैं कैसे सीबीएसई क्लास 10th एग्जामिनेशन की तैयारी हम करेंगे, वो भी 3 डेज में। बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स के पास 6 डेज हैं और कुछ स्टूडेंट्स के पास 3 डेज हैं। अगेन यहाँ पे बहुत नाइंसाफी हो रही है कुछ स्टूडेंट्स के साथ जिन्होंने हिंदी ऑप्ट करी हुई है, पर चलो कोई बात नहीं। मैं आपको एक ऐसी टेक्निक दूंगा जिससे आपका एग्जामिनेशन बहुत ही अच्छा जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डे 1 को लेते हैं, स्टडी करना शुरू करते हैं, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप उस दिन 3 चैप्टर्स सबसे पहले खत्म करिए जो काफ़ी इजी वन भी हैं और जल्दी से खत्म भी हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, योर नेचुरल रिसोर्सेज, आवर एनवायरनमेंट एंड सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इसके साथ ही आपने फर्स्ट डे के अंदर 3 और चैप्टर्स खत्म करने हैं। दोज आर योर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, केमिकल रिएक्शंस एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अगर आप ये 6 चैप्टर्स फर्स्ट डे के अंदर तैयार कर लेते हैं तो आपका अप्रॉक्सीमेटली 30-40% का सिलेबस जो है वो खत्म हो जाएगा, आपके दिमाग से बहुत ज़्यादा टेंशन उतर जाएगी एंड यू विल बी कंफर्टेबल फॉर द नेक्स्ट 2 डेज। अब जैसे ही आप अगले दिन सुबह उठते हो तो आपको 1 घंटा रिविजन करनी है बिल्कुल उसी सीरीज में जिस सीरीज में आपने कल चैप्टर्स खत्म किए थे। उसके बाद आज हम जो है प्रेपरेशन करने वाले हैं 2-2 के कॉम्बिनेशन के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल, पहले हम रिप्रोडक्शन करेंगे लर्न, और उसके बाद हम करेंगे हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, उसके बाद हम तैयार करेंगे हमारा ह्यूमन आई और उसके साथ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रेक्शन। ये 4 चैप्टर्स खत्म करने के बाद आपको थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करना है, या आप बीच में भी कर सकते हैं कि पहले 2 चैप्टर्स के तैयार कर लिया, फिर उसके बाद थोड़ी ब्रेक ले ली, फिर 2 चैप्टर्स फिजिक्स के तैयार कर लिए, उसके बाद थोड़ी सी ब्रेक ले ली, और उसके बाद आप तैयार करेंगे जो सबसे ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को आपको प्रिपेयर करने के बाद छोड़ देना है सब कुछ। यू हैव टू जस्ट प्रिपेयर 5 चैप्टर्स इन अ डे और इसको अच्छी तरह से रिवाइज करना है कम से कम एक बार और रात सोने से पहले। इसके बाद आप जब 3rd डे सुबह उठेंगे तो आपको 2 से 3 घंटे लगा के सारा का सारा पिछला रिवाइज करना है, सो दैट वो भूल ना जाए। और याद रखिए, उसी सीक्वेंस में रिवाइज करना है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ +2 की वीडियो में भी कि जिस सीरीज के अंदर आप लर्न करते हैं आपको उसी सीरीज के अंदर लर्न रहता है, आप रिवीजन भी उसी सीरीज में करेंगे तो एग्जामिनेशंस में बिल्कुल भी आप जो है वो कंफ्यूज नहीं होंगे और आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। और 3rd डे के ऊपर आपने सबसे पहले करना है मैग्नेटिज्म, बिकॉज कल हमने कहाँ पे छोड़ा था, इलेक्ट्रिसिटी पे, और इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्टिंग पोर्शन है मैग्नेटिज्म। जब आपका इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म इकट्ठा जुड़ जाएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने पूरी की पूरी फिजिक्स एक तरह से खत्म कर ली है। उसके बाद आपने केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स खत्म करने हैं, दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, प्लस आपने इसके साथ खत्म करना है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और जो मेटल्स नॉन मेटल चैप्टर है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर जो आपका मेटलर्जी वाला क्वेश्चन है जिसके अंदर हम रोस्टिंग, कैल्सिनेशन एंड ऑल वो करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको बहुत अच्छे से करना। उसके बाद लाइव प्रोसेसेस के साथ साथ हम करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। लाइव प्रोसेसेस और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपस में मैच खाते हैं, बिकॉज हमें पता है कि लाइव प्रोसेसेस के साथ हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो जुड़ा हुआ है, और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बिना हमारी बॉडी जो है वो बिल्कुल सही चल नहीं पाएगी। नर्वस सिस्टम, ब्रेन, ब्रेन के पार्ट्स, सारा कुछ ऐसे अच्छे से प्रिपेयर करना है आपने। और इसके बाद आपने सब कुछ छोड़ देना है और आराम से रिलैक्स करना है। और जैसे ही आप 1-1.5 घंटे की रिवीजन ले लेते हैं, उसके बाद आपने दोबारा से उसी पैटर्न के अंदर ये शुरू कर देना है दोबारा से रिवीजन, सो दैट कि आपका जो है वो सारा का सारा पेपर दोबारा उसी सीक्वेंस के अंदर तैयार हो जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट डे जब आप उठेंगे तो आई विल सजेस्ट यू कि आप 4 o'clock या 5 o'clock उठिए, बिकॉज जितने भी दुनिया में सक्सेसफुल पर्सन हुए हैं वो सारे जल्दी उठ के प्रेपरेशन करते हैं। तो आप जल्दी उठिए और उसके बाद उसी सीक्वेंस में सारा पढ़िए, बिकॉज यू आर हैविंग अप्रॉक्सीमेटली 16 चैप्टर्स टू रिवाइज, सो यू आर गॉट अ लॉट ऑफ टास्क एंड 10:30 बजे आपका पेपर शुरू होगा। सो आई जस्ट वांट कि 3 डेज के अंदर हम वो सारी प्रेपरेशन कर लें जिससे हमारा एग्जाम ऐसा जाए कि हमारे मार्क्स बहुत अच्छे से आए हैं। और इसका एग्जामिनेशन का तैयारी का बेस्ट तरीका ये है कि आप एक सैंपल पेपर पकड़िए और उसे सॉल्व करिए जो ना ज़्यादा डिफिकल्ट हो ना ज़्यादा इजी हो। अगर आपको सैंपल पेपर चाहिए तो नीचे फ्लैश हो रहे नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको खुद एक सैंपल पेपर भेजूंगा और उसके बाद उसका सोल्यूशन भी भेजूंगा, सो दैट आप अपने आंसर्स चेक कर सकें।